यार ये किसका नंबर है तेरे फोन में? फैजू। अरे फैजू मेरा जानू यार, ये वो है साइड चूचा तसल्ली कंधा। कंधा? हाँ कंधा यानी शोल्डर। जब भी मैंने रोना होता है मैं इसके ऊपर सर रख के रो लेती हूँ। पोला पोला सा है ना, वैसे भी नॉट डिमांडिंग एट ऑल, ऑलवेज अवेलेबल, सो वेरी कन्वीनियंट। कोई हाल नहीं। और ये कौन है जिसके नाम के आगे तूने ये अजीबो गरीब स्माइलियाँ बनाई हुई हैं, जिसके मुंह से थूके निकल रही हैं? इस पे मुझे क्रश है आजकल, बड़ा चीसू बच्चा है। और ये कौन है? विकी। ये बोरिंग, इसको मेरे पे क्रश है। जब बिल्कुल ही कोई अवेलेबल ना हो तो फिर इससे बात कर लेती हूँ। और ये तेरा एक्स नहीं है जिसके नाम के आगे तूने ये काला सारा दिल बनाया हुआ है? इतनी लंबी लंबी गप्पे इसके साथ लगा रही है? हाँ वही है, फला इसने शादी के बाद ऐसे लाइन से 1 2 3 बच्चकले तीन बच्चे पैदा किए हैं, बिल्कुल इसकी बीवी पे गए हैं। तोपा बहन, उसके बच्चकले बच्चों के अलावा उसकी एक बीवी भी है। उसने ये मैसेजेस पढ़ लिए तो वो क्या सोचेगी? हाँ तो इसमें ऐसा क्या है यार, इतने अरसे हमारा सीन ऑन रहा है। सारी बात है जो अंडरस्टैंडिंग आपकी एक बंदे के साथ डेवलप हो जाती है, अब कभी कभी उसको चाहिए होता है वेंट आउट करने के लिए, कोई बात करने के लिए। बंदा तंग आया होता है मुझसे बात कर लेता है, और मैं कौन सा उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत की बातें करूँ, जस्ट शेयरिंग स्टफ। तुझे कोई नहीं समझा सकता। हाय अल्लाह, ये कौन है इतना खौफनाक भाई? हाय वाकई बड़ा कूजा, अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए। ये मैंने सिर्फ फोन सेक्स के लिए रखा हुआ है, बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल करने के लिए। ये मुंह देख के, हाय अल्लाह, इतनी वीडियो कॉलें कैसे तू उसकी शक्ल इतनी देर बर्दाश्त कर लेती है? हाँ तो मैंने कौन सा उसकी शक्ल देखनी होती है वीडियो कॉल पे? और ये क्या है, ऊबर वन करीम वन ऊबर टू? ये वो उबर करीम वाले लड़के नहीं होते जो आपको राइड के दौरान कई दफा कहते हैं कि मैं इसके अलावा भी प्राइवेटली भी गाड़ी चलाता हूँ, कभी आपने कहीं जाना हो, कोई फंक्शन हो तो मुझे बुला लें, इससे कम रेट पे आपको छोड़ आऊंगा, ब्ला ब्ला। तो उनमें से एक दो के मैंने नंबर सेव कर लिए, कभी जाना हो तो चलो पैसे ही बच जाते हैं, उन्हें कॉल करके बुला लेती हूँ। वाह कितना मियाना रवि का आपको ख्याल है, सुभान अल्लाह। ये क्या है, कैफे बॉय? जो कैफे में लड़का नहीं है जो ऐसे बर्तन चर्तन रख रहा होता है उसका नंबर है। कितनी दफा कैफे में मिलाओ ना तो फोन उनका बिजी होता है या कोई उठाता नहीं, मैं तो डायरेक्ट इसी को कॉल कर देती हूँ। कोई फ्रूट चाट चना चाट मंगानी हो तो आके मेरे कमरे में ही दे जाता है, बड़ा अच्छा बच्चा है। ये कौन है? कुत्ता कुत्ता वन कुत्ता टू कुत्ता थ्री? यार ये वो नहीं होते जो आपको कॉल करके दम्मे के मरीजों की तरह सिर्फ सांसें लेते रहते हैं, तो इतना इरिटेटिंग है। पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर, इसको जो नंबर चेंज करो वो मिल जाता है घर करके कॉल। कुत्ता नहीं, मुझे चिचड़ इसका नाम रखना चाहिए था। वैसे मुझे पता चल जाता है कि ये वही कॉल कर रहा है, मैं भी ऑन करके म्यूट करके रख देती हूँ, घंटा घंटा करता रहता है लांती। ये कौन है? टी जोन। ए इधर देख, मैंने क्या कहा है भाई? खबरदार भाईजान है ये तुम्हारे। भाईजान अभी कोई और है? सुभान तेरी कुदरत। हाँ तो प्यार तो मैं इसी से करती हूं ना। ये कौन है यार? ये बस देने वाली है। और ये दूसरी? इसकी तो कब की ले ली है भाई ने। और ये? हाय इसने नहीं देनी, कोई चांस नहीं। और ये वाली? छोड़ यार, इसकी शादी हो गई हुई है, ऐसे ले सकता था मैं इसकी, दे देती तब, पर तो मैं इस टाइप का लड़का नहीं था यार, सच्ची मोहब्बत टाइप सीन में पड़ा हुआ था। आई वेस्ट ऑफ टाइम। अरे वाह, ये दिल के कर दे फोन, खबरदार भाभी है तेरी। सुभान अल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।